सो गाइस, सबसे पहले आप सभी को करना क्या है गाइस, आप लोगों को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है पहले, ठीक है गाइस। इसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्रोवाइड करवा दिया है, ठीक है, तो आप लोग डाउनलोड कर लेना। आप सभी को गाइस करना है, इसमें आप सभी को जाना ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस आपको फिर क्या करना है, यहाँ से गाइस आप सभी को अपने मॉडल को सिलेक्ट कर लेना है। एंड गाइस मॉडल का जो बैकग्राउंड है मैंने पहले से इरेज कर रखा है, ताकि आप लोगों को जो ज़्यादा टाइम है मैं यहाँ पे वेस्ट ना करूँ। तो अगर आप लोगों को नहीं आता तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो की लिंक मिल जाएगी, आप लोग उस वीडियो को वॉच कर लेना, आपको इजीली उसमें समझ आ जाएगा। तो गाइस अब देखिए, यहाँ पे आपको मॉडल को कुछ इस टाइप से रखना है। यहाँ पे गाइस मैंने मॉडल को जो है अम्ब्रेला पकड़ा कर इसलिए यहाँ पे मैंने ऐड किया है, ताकि गाइस मतलब इससे क्या है कि एक यूनिक सा लुक आएगा फोटो में, है ना, क्योंकि मतलब कुछ अलग दिखाने चाहिए ना फोटो में। तो आप भी इस तरीके का कुछ यूनिक दिखाने के लिए आप कुछ कर सकते हो अलग सा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको जो है ओपेसिटी यहाँ पे कम कर लेनी है अपनी इरेजर की, एंड उसके बाद ऊपर से जो इस तरीके से आपको इरेज करना है, यानी कि मतलब कि जो आपका जो मतलब मॉडल का जो पैर है वो मतलब कि वाटर के अंदर है, ठीक है, मतलब थोड़ा सा बाहर की तरफ है। तो ये दिखाने के लिए आपको करना है, एंड यहाँ पे ओपेसिटी हार्डनेस यहाँ पे कम कर लेना अच्छे से, एंड उसके बाद जो आपको थोड़ा सा नीचे तक का इरेज करना है, यहाँ तक का, ठीक है, इस तरीके से। फिर उसके बाद क्या करना है मतलब कि ये चीज़ ना मतलब रिम लाइट बनाकर भी हम कर सकते थे, बट गाइस उसमें जो है ज़्यादा टाइम जाता है, तो इससे क्या है कि मेरा थोड़ा इजी लगा, तो मैंने सोचा इस तरीके से बता दूँ आपको, ठीक है। तो आपको वहाँ पे अपने एक मॉडल का डुप्लीकेट बनाना है, एंड उसको लेके जाना आपको इफेक्ट वाले ऑप्शन में, ठीक है। इफेक्ट वाले ऑप्शन में क्यों ले जाना है गाइस, वहाँ से आप सभी को कुछ एक मतलब कि बनाना है, मतलब कि एक रिम लाइट के लिए भी थोड़ा सा रिम लाइट बनानी है इसमें, ठीक है। तो उसके लिए आपको जाना है एफएक्स में, एफएक्स में जाने के बाद आपको जाना है कलर्स में, कलर्स में जाना है। फिर उसके बाद आपको कलर्स वाला फिल्टर जो यहाँ पे दिख रहा होगा गाइस यहाँ पे आपको, ठीक है, आर्टिस्टिक के बगल में आपको इसमें जाना है, एंड उसके बाद ब्लैक एंड व्हाइट पे क्लिक करना है, एंड उसका अमाउंट जो जीरो करके इसको ब्लैक कर देना है, एंड उसके बाद मर्ज कर देना है। फिर आपको नेगेटिव वाला लेना है, ठीक है, नेगेटिव वाले को लेने के बाद आपको फिर मर्ज कर देना है। फिर उसके बाद जाना आप सभी वहाँ पे कलराइज में, कलराइज में जाने के बाद गाइस आप सभी को जो है यहाँ से सिलेक्ट करना है ऑरेंज कलर, ठीक है, ऑरेंज कलर को यहाँ पे सिलेक्ट करना है आपको, देखना है यहाँ पे माइनस की तरफ यू को करना है, एंड वहाँ पे आपको मिल जाएगा। फिर आपको इतना कर देने के बाद आपको जाना है इरेजर टूल में, ठीक है, आपको इन्वर्ट नहीं करना, नहीं तो गाइस पीछे की साइड में जो हमने इरेज किया था ना पहले वो आ जाएगा वहाँ पे, तो आपको सिंपली इरेजर पे जाके इसको इरेज कर देना है, सारा इरेज हो जाएगा। अब देखिए गाइस आपको करना क्या है गाइस, देखिए अब पहले तो हम इसकी जो साइज़ है हम पहले इसको छोटा कर लेते हैं, एंड जिसके जो हार्डनेस इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। अब गाइस देखिए आपको अपने हैंड के पास है ना थोड़ी सी रिम लाइट क्रिएट करनी है, मतलब तो हल्की हल्की, मतलब कि जो ऊपर से जो आपको दिख रहा होगा वहाँ से जो मतलब कि लाइट आ रही है वो आपके हैंड पे भी तो थोड़ी थोड़ी पड़ेगी ना, तो गाइस वो दिखाने के लिए आपको यहाँ पे करना, मतलब थोड़ा रियलिस्टिक दिखाएंगे ना फोटो को तो और भी ज़्यादा मतलब कि अच्छी लगेगी। तो यहाँ से हम इस तरीके से हम इस जगह पर भी कर लेते हैं, इस वाले हैंड पे भी, एंड चाहो तो थोड़ा अम्ब्रेला के ऊपर भी कर लेना, ठीक है, मतलब अगर आपने पकड़ा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी आप बिना उसके भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे भी कर दूंगा, ठीक है, तो यहाँ तक हमने कर लिया यहाँ पे, ठीक है। तो अब हल्का हल्का करना, मतलब ज़्यादा नहीं करना, ज़्यादा करोगे तो ज़्यादा मतलब कि फेक सा लगेगा, मतलब है ना। तो आपको जो यहाँ पे इसका ब्लेंडिंग मोड भी चेंज करना है, स्क्रीन करके रखना है, ठीक है, ऐसे मतलब डन नहीं करना, आपको स्क्रीन करके रखना है इसका ब्लेंडिंग मोड, एंड इसको ब्लेंडिंग मोड जब स्क्रीन कर दोगे तो उसके बाद आपको फोटो को डन कर देना है, एंड उसके बाद जो आपको यहाँ पे पिक्सल का काम जो है खत्म हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, अब आपको कलर करेक्शन करके जो है इसको रियलिस्टिक बनाना है, ठीक है। तो वो कैसे बनाना है वो भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। तो अब इसको मैं सेव करता हूँ, एंड इसको लेके चलता हूँ मैं लाइट रूम ऐप में। सो लाइट रूम ऐप में जब हम फोटो यहाँ पे ऐड कर लेंगे तो गाइस उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जाना पहले स्लाइड वाले ऑप्शन में, फिर आपको जो इसका कॉन्ट्रास्ट पहले कम करना है, और जिसका हाईलाइट है इसको भी थोड़ा कम करना है, एंड जो शेडो है शेडो को इंक्रीज करना है। फिर उसके बाद आपको मिलेगा व्हाइट, व्हाइट को जो यहाँ पे हल्का सा कम करना है, ब्लैक जो है इसको भी कम करना है। फिर उसके बाद जाना आपको कलर्स में, ठीक है, कलर्स में जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे वाइब्रेशन बढ़ा देना है, एंड चाहो तो टेम्परेचर कम कर सकते हो क्योंकि ब्लू कलर का तो हमारी पूरी फोटो ही है। तो उसके बाद आपको कलर मिक्स में जाना है, ऑरेंज कलर सेलेक्ट करके इसका सैचुरेशन माइनस करना है, लुमिनस को इंक्रीज कर देना है। फिर उसके बाद क्या, जैसे कि येलो कलर तो है नहीं हमारे में, ठीक है, तो हम डायरेक्ट यहाँ से जाएंगे ब्लू कलर में, ठीक है। ब्लू कलर में जाने के बाद आप देखिएगा ह्यू में, मतलब आप वाटर कलर एकदम बिल्कुल स्काई ब्लू भी कर सकते हो, एकदम डार्क ब्लू भी कर सकते हो, तो बट मैं हल्का सा इसको स्काई ब्लू रखूंगा, एंड जो सैचुरेशन इसको प्लस रखूंगा, थोड़ा सा डार्क हो जाता है, ठीक है। इतना हो जाने के बाद इसमें इसको डन कर लूँगा, एंड उसके बाद जो है क्या करेंगे, हम यहाँ से जाएंगे इस वाले टूल में इफेक्ट में, इफेक्ट में जाने के बाद यहाँ से हम थोड़ी सी क्लियरिटी इंक्रीज करेंगे, इसमें थोड़ा सा विग्नेट डालेंगे, एंड नीचे मिलेगा आपको ग्रेन अमाउंट, आपको उसको भी हल्का सा बढ़ा देना है, ताकि थोड़ा सा ना हल्का हल्का मतलब कि नॉइज जैसा आ जाए फोटो में। तो उसके बाद शार्पनेस इंक्रीज कर देना है, नॉइज रिडक्शन बढ़ा देना है, एंड इसके नीचे जो कलर नॉइज रिडक्शन आपको उसको भी बढ़ा देना है। तो फाइनली गाइस हमारी जो फोटो यहाँ पे कंप्लीट एडिट हो चुकी है। तो गाइस आशा करता हूँ और आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो और वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, और गाइस इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो करना मत भूलना, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।